नमस्कार दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का बात करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, सेल दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है वो रहता ही रहता है। किसी चैप्टर का रहे चाहे नहीं रहे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जरूर 1, 2, 3, 4 तक का क्वेश्चन इसमें पूछ डालता है। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ही बात करेंगे, लेकिन यह नए तरीका से बात करें जो आज तक आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि इस मेथड से भी बनता है। तो क्या है मेथड, इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो के साथ जरूर बने रहें। उससे पहले हमारे डिजिटल्स क्लास में आप सभी को स्वागत करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास। यहाँ जो बात करने वाले कोडिंग डिकोडिंग का सिमेट्री मैथड से। सिमेट्री मैथड क्या होता है, इसका हिंदी होता है समरूपता। सिमेट्री मेथड से किस प्रकार से बनाया जाता है इसी के विषय में यहाँ पर जानेंगे। तो सिमेट्री मेथड क्या होता है, इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सिमेट्री मेथड क्या होता है और जानते हैं कि सिमेट्री मेथड से कोडिंग डिकोडिंग को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। सिमेट्री मेथड एक ऐसा मेथड में काउंट किया जाता है जो बिना पेन का, बिना पेपर का, मतलब सिर्फ देखना और क्लिक कर देना। कैसे करना इस चीज़ आप आगे चलते देखते हैं कि कैसे है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। सबसे पहले जो है कि कम समय में डिकोड कैसे करें, यानी कि हाउ टू डिकोड इन क्विकली। फास्टली हम लोग कोई भी कोडिंग को जो है डिकोड कैसे किया जाता है उसी के विषय में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरी है, थ्योरी को जान लेना बहुत ही बेटर होगा। फाइंड द प्लेसमेंट, पहला जो है तरीका जो होता है फाइंड द प्लेसमेंट पैटर्न, ठीक है। और इसका जो पार्ट आता है यानी फाइंड द प्लेसमेंट पैटर्न का आता है, एक डायरेक्ट पैटर्न होता है, एक क्रॉस पैटर्न होता है, ठीक है। दो तरीका से इसमें फाइंड कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट देन क्रॉस पैटर्न। फिर जो है इसमें जो दूसरा टाइप में क्या आता है कि फाइंड द कोडिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पर जो दो दो टाइप का यहाँ पर आया, पहले सबसे क्विकली जो फाइंड जो करेंगे तो पहला जो टाइप आया फाइंड द प्लेसमेंट पैटर्न और दूसरा है फाइंड कोडिंग पैटर्न। दो पैटर्न यहाँ पर चलेगा। फिर इस दो पैटर्न में जो है कोडिंग पैटर्न का जो इसका पार्ट है, क्या पार्ट है, पहला जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको देखना है, दूसरा है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का पैटर्न देखना है, तीसरा जो है वॉवेल्स एंड कंसोनेंट का पैटर्न देखना है, और चौथा जो है ऑपोजिट आपको देखना है, ऑपोजिट लेटर का पैटर्न देखना है, और चौथा जो ऑपोजिट लेटर प्लस माइनस का भी आपको देखना है। तो यहाँ पर इसका जो है 4-5 टाइप यहाँ पर देखें और वहाँ पर जो है क्विकली फाइंडिंग के दो पैटर्न देखें। तो इस तरह से करके देखें, अब बारी बारी से इसमें 1 by 1 करके हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कैसे कैसे क्या जाएगा, इस चीज़ सारे डिटेल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं सबसे फर्स्ट की ओर। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है प्लेसिंग पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं पहले से प्लेसिंग पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर। जैसे कि प्लेसिंग पैटर्न क्या होता है, तो आइए समझते हैं कि प्लेसिंग पैटर्न जो होता है वो क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। प्लेसिंग पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि मान लेते हैं कोई लेटर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है, 5 लेटर का हो सकता है, 6 लेटर का हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं 5 लेटर, 1 लेटर 2 3 4 एंड 5, 5 लेटर है। तो इसके जस्ट जो है 5 लेटर आपका होगा 1 2 3 4 5। तो प्लेसिंग पैटर्न में क्या होता है कि मान लेते हैं कि प्लेसिंग पैटर्न जो होता है, सबसे पहला जो इम्फेसिस होता है, मतलब सोचने का जो तरीका होता है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स का कोड कहाँ पर होगा। यह जो मान लेते हैं एक लेटर है, यह भी लेटर है, यह भी लेटर, यह भी लेटर, यह भी लेटर, तो सबसे पहला फेसिस होता है, इम्फेसिस होता है कि सबसे पहले हम लोग का सोच होता है कि जस्ट इसी के नीचे इसका जो है कोडिंग किया गया होगा, और इसके नीचे यही 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 कोडिंग किया होगा। क्योंकि सबसे जो इम्फेसिस होता है यानी सबसे छोटा जो सोच है, हम लोग यहीं से चलते हैं कि इसके बदले यह आया होगा, इसके बदले यह आया होगा, इसके बदले यह आया होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पैटर्न इसी तरह से हो सकता है, हो सकता है दूसरा पैटर्न लगा हुआ, जैसे कि मान लेते 5 जो लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर यहाँ पर रखा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 लेटर लिखा हुआ। हो सकता है कोडिंग जो इसके साथ किया गया हो, हो सकता है इसके साथ किया गया हो, हो सकता है यह कोडिंग जो है, यह कोडिंग इसके साथ किया गया हो, हो सकता है कोडिंग इसके साथ किया गया हो,
मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप में से आपका कोडिंग कर करके देगा आपको। हो सकता है ये कोडिंग इसके साथ किया गया हो, यानी कि आप भी नहीं जानते कि कोडिंग किसके साथ किया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेसिंग पैटर्न। प्लेसिंग पैटर्न भी दो तरह का होते हैं, तो आइए समझते हैं कि प्लेसिंग पैटर्न दो तरह के क्या क्या होते हैं, इसके विषय में जानते हैं। जैसे कि प्लेसिंग पैटर्न जो होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। पहला जो होता है डायरेक्ट पैटर्न और दूसरा जो होता है क्रॉस पैटर्न। अब डायरेक्ट पैटर्न क्या होता है और क्रॉस पैटर्न क्या होता है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, बशर्ते इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से डायरेक्ट पैटर्न को हम लोग पहचानते हैं। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज़ द डायरेक्ट पैटर्न, डायरेक्ट पैटर्न जो है वो क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। तो डायरेक्ट पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा डायरेक्ट पैटर्न क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट पैटर्न जो होता है हम लोग का क्या, किसको डायरेक्ट पैटर्न। डायरेक्ट पैटर्न का मतलब होता है एक के नीचे एक होना चाहिए, एक के नीचे एक होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं द कोड ऑफ एनी पार्टिकुलर अल्फाबेट्स ऑफ एनी वर्ड इज डायरेक्टली रिटन बिलो ऑफ दैट पार्टिकुलर अल्फाबेट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट पैटर्न। तो डायरेक्ट पैटर्न जो होता है उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है उसी को कहते हैं डायरेक्ट पैटर्न। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर चार, हम लोग का यहाँ पर चार या पांच कोई लेटर का कम्बिनेशन अगर आपके पास रहता है, ठीक है, कैसे रहता है सो देखिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं एक लेटर यहाँ पर है, 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 ठीक है। अब उसके नीचे यहाँ पर है, उसके नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ जो पैटर्न लगा होगा, मान लेते हैं ऐसे करके एक ट्रायंगल टाइप का कोई पैटर्न लगा होगा, तो यहाँ भी ट्रायंगल टाइप का ही पैटर्न होगा क्योंकि यह इसी के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ भी अगर कोई पैटर्न अगर लाया लगाया होगा, कोई पैटर्न मान ले लगाया होगा, सर्कल लगाया होगा, तो यहाँ भी वही सेम पैटर्न लगेगा। यहाँ अगर रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न लगाया गया होगा तो यहाँ भी रेक्टेंगल टाइप का ही पैटर्न लगेगा आपका। यानी जो आपका पैटर्न एक के नीचे एक लग रहा उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट पैटर्न, ठीक है। मतलब उसी के जस्ट नीचे अगर आ जाता है डैट इज कॉल्ड होता है डायरेक्ट पैटर्न। अब आगे चलते हैं कि क्रॉस पैटर्न क्या होता है, इसके विषय में समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रॉस जो पैटर्न होता है वो क्रॉस पैटर्न कहते हैं किसको चीज़ें, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्रॉस पैटर्न किसको कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं पांच वो आपका सेंटेंस दिया गया है, या पांच ऐसे समझिए पांच वर्ड दिया गया है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा, पाँच वर्ड दिया गया, उसके नीचे भी पाँच वर्ड आ गया, एक दो तीन चार एंड पाँच, पाँच वर्ड यहाँ पर आया, पाँच वर्ड यहाँ पर। क्रॉस पैटर्न किसको कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यह एक स्क्वायर है, ठीक है, यह एक स्क्वायर है और यहाँ पर ही एक स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ भी एक स्क्वायर लगा हुआ, यानी कि हम पैटर्न कहेंगे यह जो है इसके भांति लगा हुआ है, ठीक है। जब यह इसके भांति लगा हुआ तो यह भी समझना है कि यह यहाँ पर ही जाएगा, इसी को कहते हैं क्रॉस पैटर्न। जब यह यहाँ पर चल गया तो यह कहाँ जाएगा, जस्ट यहाँ पर ही, और यह कहाँ जाएगा यहाँ पर, और यह कहाँ जाएगा यहाँ पर, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न जो होता है दो तरह का होता है, क्या क्या होता है इसके विषय में समझते हैं कि क्रॉस पैटर्न जो होता है वो किस किस टाइप में क्रॉस पैटर्न होता है। पहला जो क्रॉस पैटर्न होता है कंप्लीट क्रॉस पैटर्न होता है, दूसरा ब्रेक ब्रेक क्रॉस पैटर्न होता है। कंप्लीट क्रॉस पैटर्न क्या होता है और क्रॉस पैटर्न क्या होता है, ब्रेक क्रॉस पैटर्न क्या होता है, इसके विषय में समझते हैं हम लोग। कंप्लीट क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग के पास पांच कोई लेटर रखा हुआ है, देखिएगा कोई का पांच लेटर रखा हुआ, पहला दूसरा तीस चार पाँच, ठीक है। एक यहाँ पर रखा हुआ एक दो तीन चार पाँच, पांच लेटर रखा हुआ। कंप्लीट क्रॉस का मतलब होता है कि जैसे ई यहाँ से यहाँ गया और यह यहाँ से यहाँ गया, और यह जो है यहाँ से यहाँ, और यह जो है यहाँ से यहाँ, और यह जो है यहाँ से यहाँ, इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट क्रॉस पैटर्न। यानी जितना है पूरा कंप्लीट कर रहा है, पूरा को क्रॉस किया, देखिए यहाँ पर जो है सबको क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट क्रॉस पैटर्न, ठीक है।
एक होता है ब्रेक क्रॉस पैटर्न, वो क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। ब्रेक क्रॉस पैटर्न, एक होता है ब्रेक्ड, ब्रेक्ड क्रॉस पैटर्न। ब्रेक क्रॉस पैटर्न क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। देखिए ब्रेक क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है। जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर में, एग्जांपल हम लेते हैं ए नंबर, जैसे कि 5 लेटर रखा हुआ है, पहला लेटर, दूसरा, तीस, चौथा, पाँचवा, 5 लेटर रखा हुआ, यहाँ भी 5 लेटर रखा हुआ होगा सेम। तो इसमें जो है क्या होगा कि किस टाइप का इसमें पैटर्न बनाएगा। देखिए पहला जो है ब्रेक क्रॉस पैटर्न का, एक तो यहाँ से यहाँ ये बनाएगा और यह एक तो यहाँ से यहाँ बनाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पर बना देगा यहाँ भी सेम पैटर्न आपका होना चाहिए, इसी तरह से सेम फिर यह हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि यह कंप्लीट क्रॉस नहीं किया। देखिए कंप्लीट क्रॉस में क्या, सबको काट रहा था, लेकिन ब्रेक क्रॉस पैटर्न में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया। और इसी में एक बी टाइप में क्या होगा, दूसरा टाइप में, बी टाइप में क्या होगा, जैसे कि 5 लेटर रखा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर रखा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर रखा हुआ। अब एक पैटर्न यहाँ पर क्रॉस पैटर्न ऐसे बन सकता है, यहाँ से एक जाएगा तो यहाँ से भी एक आएगा, ठीक है। फिर एक यहाँ से यहाँ पैटर्न बनेगा, फिर एक यहाँ से यहाँ पैटर्न, और एक यहाँ से यहाँ पैटर्न। ये तो आपका बी टाइप में हो गया। तो आते सी टाइप में क्या हो सकता है, जैसे कि सी टाइप में एक पैटर्न ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है देखिएगा, जैसे कि मान लेते 6 लेटर का अल्फाबेट्स, अभी तक हम लोग 5 लेटर के बारे में देख रहे थे, अगर 6 लेटर का अगर अल्फाबेट्स होगा तो क्या होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर का अल्फाबेट्स यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर का अल्फाबेट्स है। तो ऐसा आप इसको इस फॉर्म में तोड़िए कि दोनों जो एक दूसरे के सिमेट्री के फॉर्म में हो। सिमेट्री क्या होता है इसी के विषय में समझिए कि जैसे कि यहाँ पर से यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, यानी कि अगर हम बीच में ऐसे करके एक लकीर डाल लेते हैं, ऐसे अगर एक लकीर डाल लेते हैं तो क्या होगा, क्रॉस पैटर्न में एक यहाँ से यहाँ बनाएगा, एक यहाँ से यहाँ, फिर एक यहाँ से यहाँ। जस्ट इसी को जब हम लोग फोल्ड करेंगे, जब इसको यहाँ से इस तरह से करके जब फोल्ड किया जाएगा, इसको इसको जब इस टाइप में फोल्ड जब हम लोग करेंगे तब क्या होगा, सेम इसी तरह से सिमेट्री आपका बनना चाहिए इसी फॉर्म में यहाँ पर आकर। यानी कि यहाँ पर जैसा फिगर होगा यहाँ भी उसी प्रकार का फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार का एक फॉर्म होगा। और एक क्या होगा, और एक देख देखिए और एक क्या होगा, जैसे डी टाइप में एक लेते हैं, जैसे डी टाइप में एक ले रहे हैं, जैसे यहाँ भी अगर आपका 6 लेटर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 लेटर अगर यहाँ भी है तो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4, 5 एंड 6, 6 लेटर यहाँ भी आ जाएगा। तो अगर सिमेट्री अगर आपको बनाना है, ठीक है, सिमेट्री अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ एक क्रॉस ले लिए, जैसे यहाँ से यहाँ एक क्रॉस लेंगे वैसे यहाँ पर भी आपको एक क्रॉस लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि सिमेट्री अगर बनाने के लिए इधर जो बन गया यहाँ भी उसी पैटर्न पर आपको बनाना, फिर यहाँ पर भी एक पैटर्न बन जाए। अब इसको जब आप फोल्ड कीजिएगा, ठीक है, इसको जब आप फोल्ड करके देखिए, जब इधर फोल्ड कीजिए तो यह जो क्या होगा, इस पर ओवरलैप हो जाएगा, यह इस पर ओवरलैप होगा, 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 यह जो इस पर और यह इस पर ओवरलैप, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि यह जो सिमेट्री फॉर्म में, सिमेट्री फॉर्म में यह जा रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग सिमेट्री फॉर्म। कोडिंग डिकोडिंग में जो भी क्वेश्चन रहता है वो एक सारा सिमेट्री में ही फॉर्म रहता है। सबसे पहले यहाँ सिमेट्री के बारे में और एक बार जिक्र करते हैं, तो सिमेट्री फॉर्म होता है क्या है, जैसे कि एक पेपर अगर आप लेते हैं, मान लेते हैं कोई कागज का पेपर लेते हैं, ठीक है, कोई कागज का पेपर लेते हैं और पेन से क्या करते हैं, इधर फोल्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कलरिंग करते हैं, यहाँ पर कलरिंग कर दिए, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करके क्या कीजिए, कलरिंग कर दीजिए, यह आपका पेपर है, आप पेपर को यहाँ पर जो है, यह आपका पेपर, यहाँ पर क्या कीजिए, कलरिंग कर दीजिए। जैसे कलर करके यहाँ पर अगर फोल्ड करते हैं, यहाँ पर अगर फोल्ड कीजिएगा,
फोल्ड करके थोड़ा सा अंगुली से जोर से चिपका कर दीजिएगा तो यहाँ भी सेम वही फिगर ही बन जाएगा। अगर आप स्याही में ले रहे हैं पेन से आप एक काम कीजिए, पेन से एक तरफ बना दीजिए और उसको यहीं पर ही फोल्ड करके जोर से अगर अंगुली से दबा दीजिए तो यहाँ पर भी सेम आपका बन जाएगा। यानी यहाँ भी क्या बन रहा है, एक सिमेट्री फॉर्म ही बन रहा है। सिमेट्री फॉर्म आपका यहाँ पर जो सिमेट्री फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्री फॉर्म से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना। बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको बहुत जल्द आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट में कोडिंग पैटर्न क्या था, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ जो है हम लोग अभी यहाँ पर प्लेसिंग पैटर्न के बारे में ही जाने, फाइंडिंग कोडिंग पैटर्न के बारे में यहाँ पर हम लोग नहीं जाने। तो आगे हम लोग जानेंगे कि फाइंडिंग कोडिंग पैटर्न कैसे हम लोग बनाते हैं। अभी तक हम सिर्फ फाइंडिंग प्लेस पैटर्न के बारे में यहाँ पर जाने। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट को आप जरूर देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा उसके विषय में जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बहुत जल्द आएगा, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर किसी प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर एक बार बता दीजिएगा, सर इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। यदि वीडियो को पसंद लगे तो लाइक कीजिए, और यदि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो उन्हें भी सिमेट्री फॉर्म से सॉल्व करना आ जाएगा, उनको कोडिंग डिकोडिंग किस टाइप का सॉल्व किया जाता है। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट में। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।